लड़ रहे। क्यों पीछा करते हो मेरा? ये लो। क्या है? प्रेम पत्र लिखा है? दो। जान, इस पत्र को अकेले में पढ़ना। रुको ना, मेरे साथ कोई और भी पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? रजनी, रजनी कहाँ हो तुम? तुम्हारी छोटी बहन? नहीं, मेरी मातोश्री। माँ, माँ देखो तो इसने मुझे प्रेम पत्र लिखा है। ए, ठहरो, माता जी से तो मिल लो। प्रेम पत्र लिखा है? आ जाओ, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। मेरी प्यारी प्रियतमा प्रिया, आगे पढ़ो। मेरे कलेजे में भी तुम हो, मेरे मेरे फेफड़ों में। मारा क्यों? तू ठहर, तुम पढ़ो। वैक्सीन का पहला डोज भी तुम हो और दूसरा भी, ले तीसरा डोज और चौथा। बहुत हुई हाथ की सफाई, अब मैं जा रहा हूँ। ए, भागता कहाँ है? ठहर, तुम आगे पढ़ो। नहीं, तुम मेरा ऑक्सीजन हो, नहीं मिली तो मर जाऊंगा। नहीं मिलेगी, अभी के अभी इसके सामने मार, मर के दिखा। क्या बोलती हो बेटी? मेरी बेटी वैक्सीन है, तू तो सबसे बड़ा वायरस। छोड़ो ना, ऐसा प्रेम पत्र तो हर तीसरी लड़की को देता हूँ, उसमें तो भड़क क्यों रही हो? बेशरम जी का प्रेम पत्र लिखेगा, प्रेम पत्र लिखेगा। अगर मुझे दोबारा दिखा ना तो तेरा नाम और निशान मिटा दूंगी। पता नहीं मेरा चाकू कहाँ चला गया। नहीं, नहीं। तुझे सीधा करती हूँ। दोबारा तूने किसी लड़की को छेड़ा ना, पुरुषों की जात ही ऐसी होती है। छिछोरापन करने में ना इन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है। सही कहा मैडम। क्या सही कहा? तूने भी तो डिग्री हासिल कर रखी है, तू भी छिछोरा ही है। मैं वैसा नहीं हूँ। तुम कितने ठरकी हो, तुम्हारे मुंह पर लिखा है। ये वो सारे पुरुष आवारा है, कोई भी शरीफ नहीं है। क्या ऐसे तो आपकी सुपुत्री कुंवारी रह जाएगी ना। वैसे भी ये खुद शादी नहीं करना चाहती। क्यों? हमें पुरुषों से घृणा है। उठ गया शकेल? हाँ भाई। आधे घंटे में राज चेंबर के पास पहुंच जाना, वहाँ एक पंटर आएगा, उसके साथ निकल लेना। तुम ही हो क्या? बैठो। हाँ भाई, काम क्या करना है? वहाँ पर एक यूनियन बैंक है, उसके पास तुम लोगों को एक लड़की मिलने आएगी। तुम्हारा नाम क्या है? सामान खान। वो लड़की तुम्हें घर का पता देगी। दाएं से दरवाजा नंबर 295। दुनिया में खालिद चाहे किसी भी शहर में क्यों न रहे, उसका भय और आतंक लोगों में जरूर रहना चाहिए। खालिद कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, खालिद का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। मलेशिया में रहने के बावजूद खालिद ने अपना दबदबा हिंदुस्तान में बनाया रखा है, क्या पुलिस कभी खालिद को पकड़ पाएगी? मेरा नाम विजय है, यहाँ का नया ऐसा है। तुम्हारा नाम क्या है? रामदीन सर। भेंट करके अच्छा लगा। धन्यवाद सर। मैं हूँ भास्कर, FIR लिखता हूँ सर। मेरा नाम आनंद है सर। अभिजीत सर। अरे तुम यहाँ, क्षमा करना, कैसे हो सर? सर मत कहो, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। देखकर अच्छा लगा बेटा कि तुम्हारी भर्ती हो गई। वो तुम पर ये वर्दी बहुत जच रही है मेरे छोटे शैतान। बेटा आज मेरा मन खुश हो गया। जाओ एसी पी साहब से मिल लो, वो उस कैबिन में। सर, इंस्पेक्टर विजय रिपोर्टिंग सर। सर आज मेरा पहला दिवस है। सुन लिया मैंने, अपने ऑफिसर को सैल्यूट करना सीखा नहीं तुमने? किया था सर। फिर से करो। नाम क्या है तुम्हारा? वो भी बताया था सर। तो फिर से बोल दो, दोबारा बताने में तकलीफ है? मैंने अंदर आते ही कहा विजय, आपने मेरे वार्तालाप पर ध्यान नहीं दिया। बहुत घमंड है तुझमें, तेरा ये घमंड तुम्हें बहुत जल्द उतार दूंगा। तू अभी मुझे जानता नहीं, तुझे यहां का चपरासी ना बना दिया तो मेरा नाम पटनायक नहीं, पुलिस वाला है तू। वर्दी के अंदर रहना सीख, ज्यादा हीरो मत बन। पर मेरे लिए हर पुलिस वाला हीरो है सर।
ध्यान लगा के पढ़ना, ठीक है मालिक। काम दिल लगा के करना, ठीक है मालिक। पैसे हमेशा ध्यान से गिनना, ठीक है मालिक। हाँ? नहीं, निकलो यहाँ से, चलो। अरे बच्चे मन के भोले होते हैं, उनके हक का पैसा रख कर क्या करोगे भैया? क्यों रे, आखिर तू पुलिस वाला बन ही गया, फटाफट ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। सब आपका आशीर्वाद है चाचा। ये आशीर्वाद छोड़ो, ये सब के सब निकम्मे हैं। ये आधे कप गंदे छोड़ देता है, ये फर्श को पोछा ही नहीं लगाता, और ये रेडियो पे गाने सुन के सो जाती है। मैं तो थक गया हूँ, अब तुम आया तो सिखाओ इन्हें। मैं सिखाता हूँ, चलो। पहले इसे पानी में मत डालो, इसे अच्छी तरह से साबुन से घिस लो, और फिर इसे स्वच्छ पानी से धो लो। ठीक है भैया। ठीक से समझ गए ना? चाचा आज तो मैंने इन्हें सिखा दिया, पर इनसे काम मत करवाइए, हिंदुस्तान में बाल श्रम गैर कानूनी है। क्या बात कर रहा है, अब तू मुझे नियम सिखाएगा है? बचपन से लेके अब तक मैंने तेरी परवरिश की और तू मुझे नियम सिखा रहा है? आजा, मुझे किसी से भय नहीं है, मैं यहीं पे बैठा हूँ, देखता हूँ कौन आके मुझे पकड़ता है। चलो ए, पानी पिलाओ। यही पानी पिलाओ उनको। हाँ भाई, एक मिनट। एक और नई दुकान खोली है मैंने। हाँ ठीक है भाई, को तेरे से बात करना। तलवार बोल रहा हूँ, परसों इलेक्शन के लिए पार्टी को पैसे दिए और आज तुम मुझे ही भूल गए। मुझे माफ करना भाई, वो क्या है कि परसों मुझे खालिद को 1 करोड़ रुपए देने पड़े। विलायत में बैठे चूजे को इतने पैसे दिए, चलो अब बताओ मुझे कितने दोगे? 5 करोड़, वो भी कल के कल। दिखाओ। ये है मुन्ना सेठ, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा व्यवसायी है, उसके 2 बच्चे हैं। अगर हम इनको अगवा कर लें तो इस सेठ से हमें तगड़ी रकम मिल सकती है, और ये फिल्म एक्टर है। हाँ बस ठीक है, तो इधर आ। हाँ भाई, इससे कितना निकलवाना है तू देख ले। ये गिरोह अच्छी तरह जानते हैं कि कब किससे कितना पैसा निकलवाना है। जिनसे ये पैसे लेते हैं उनके बारे में सब जानते हैं ये, उनकी संपत्ति कितनी है, वो रहते कहाँ है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उनके कार्य करने का पहला तरीका सुनिए, पहले सिर्फ वो धमकियों से काम चलाते हैं, और वो धमकियां वो फोन के द्वारा देते हैं। क्या सेठ अकेले अकेले पैसा कमा रहा है? अगर आज शाम तक 2 खोखा नहीं मिला ना, तो तेरी पत्नी को उठवा लूंगा और तुझे वहीं आके ठोक दूंगा। धमकियों से बात नहीं बनती, तब वो लोग बंदूक दिखाते हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक की हत्या भी। अब हमें निपटना है 2 माफियाओं से, खालिद और तलवार। पिछले 15 सालों से खालिद हिंदुस्तान नहीं आया, लेकिन मलेशिया से अपना नेटवर्क चला रहा है। लेकिन तलवार सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहीं से अपना व्यवसाय चला रहा है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होकर भी हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वो लोगों में अपना भय बिठाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। लगता है जैसे हमसे ज्यादा ताकतवर तो वो हो गए हैं। अब प्रश्न है कि इन्हें कैसे रोका जाए, आप बताइए मुझे, बताइए, बोलिए, किसी के पास उत्तर है? हाँ तुम बोलो। वो हमें ललकार रहे हैं तो हमें भी उन्हें ललकारना चाहिए। अगर ये हंसना बंद नहीं करेंगे तो रोएंगे, हमें एक्शन लेना होगा। वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो जान गंवाने का भय होगा। हमने ये पुलिस की वर्दी चुनाव में प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं पहनी, न्याय के लिए पहनी है। उन्हें बिल से बाहर निकालने का अब समय आ चुका है सर। एसआई से नहीं, अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। अपनी टोपी उतार दो। सुबह से रात हो गई, अब तक 1 बूंद पानी नहीं पिया मैंने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहीं ढेर हो जाऊंगा। और ये जो पार्टी चल रही है, ये 12 बजे से पहले खत्म नहीं होने वाली। ये बताओ कि हम भूखे प्यासे कब तक ड्यूटी करते रहेंगे? क्या हम पुलिस वालों को अधिकार नहीं है जलपान करने का? मैं सही कह रहा हूँ ना? आपका भी मुंह सूख रहा है क्या? अगर तुम हाँ कहो तो थोड़ा खा पी कर आ जाएंगे हम लोग। घर पे भले ही मैं आपका बेटा हूँ, पर यहाँ मैं आपका एसआई हूँ, समझे? यही तो दिक्कत है कि तुम मेरे एसआई बनकर आयो। दे दो अनुमति, हम 10 मिनट में खा पी कर आ जाएंगे, कसम से। ये अपना हट नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, जाइए। ए साहब को धन्यवाद बोलो। धन्यवाद, हो गया नाटक, जाइए और तुरंत आइए। धन्यवाद सर, चलो। हेलो गोपी, अरे क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो गोपी, कहाँ हो तुम? हम कब के पहुँच गए हैं?
अच्छा आप सुनो, वो मिमिक्री आर्टिस्ट का क्या हुआ? क्या नंबर नहीं था? तुम मांग सकते थे ना। लिखो लिखो 9820645453। अब उसे फोन करके बुलाओ। क्या पूरे पैसे दे दिए? कितने बड़े बुद्धू हो तुम, बुद्धू बुद्धू कहीं के। गोपी मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम कुछ भी करो, किसी को भी अरेंज करो, अक्ल के पैदल फोन रखो। उफ, अच्छा सुनो, आधे घंटे में किसी भी अरे गिरे आर्टिस्ट को अरेंज करके यहाँ भेजो। क्या कठिन काम है? अब शांत हो जाओ। सुनिए मिस्टर, मेरा फोन दीजिए। आ, आ, इधर आओ। देख देख देख, ये पुलिस की गाड़ी है, देख। और तुम्हारे सामने पुलिस खड़ा है और उसी के सामने तुम गाड़ी को ठोक रही हो, लात मारी हो, खरोच रही हो। मैंने किस समय? अरे बाप रे, साक्षात मुकर रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम रजनी देवी को जानते हो क्या? है? पहले अपना परिचय दो। प्रिया। करती क्या हो? अंदर जो पार्टी चल रही है ना, वो मेरे द्वारा ही अरेंज की गई है, तो थोड़ी सी चिंता हो रही थी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा व्यवसाय क्या है? मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ। यहाँ पर आसपास जितनी भी पार्टीज होती है ना, मैं। बहुत हो गया भाषण, आज के बाद किसी भी पुलिस वाले की गाड़ी पर क्रोध मत उतारना। जा निकलो। सर। ये लो, जा। क्रोधी नंबर वन। आपका व्यवसाय क्या है? ये चमकते तारे नहीं दिख रहे हैं? पुलिस वाला हूँ मैं। ओह, हवलदार नजर नहीं आ रहे, जलपान करने गए। ओह, और कोई प्रश्न? जलपान।